डियर फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंफॉर्मेटिव ऑन ट्रांसमिशन एंड एजुकेशन, इसमें स्वागत है। आज मैं एक जो वीडियो बना रहा हूँ वो फर्स्ट टर्म बॉक्स जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और मेजरमेंट के लिए मतलब उसका फेब्रिकेशन के लिए कैसे करना है, वो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये बेसिकली बहुत सारे आदमी का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसको कैसे किया जाएगा, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे वीडियो का देख के आप लोग का जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे साथ भेज रहे, दिस इज वेरी फाइन एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम ऑल्सो टेकिंग दैट इंटरेस्ट ऑफ दैट। इसमें थोड़ा डिटेल्स कैलकुलेशन जाने से पहले इसको एक बार रिफर करते हैं ड्राइंग को। फाउंडेशन ड्राइंग में देखिएगा जहाँ आपका ड्राई वेट ये सब रहेगा, तो उसके लिए बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो रखना जरूरी जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए आप देखिएगा जो ड्राइंग में ऊपर में ये बेसिकली एक ट्रांकेटेड पिरामिड जैसा काम करता है, इसका ऊपर का डायमेंशन और नीचे का डायमेंशन में फर्क रहता है। ऊपर का एक डायमेंशन रहेगा मान लीजिए ए, नीचे का डायमेंशन बी रहेगा, उसका हाइट रहेगा। आपको फाउंडेशन ड्राइंग में देखिएगा जब भी आप ड्रॉइंग को रिफर करते हैं यहाँ एक वर्टिकल हाइट रहता है, ये हाइट रहेगा, यहां से यहां तक एक डिस्टेंस रहेगा, ये हाइट भी रहेगा। तो ऐसा सिचुएशन में मेरे जो फर्स्ट टर्म बॉक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आप लोग को समझाने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू लिया। मान लीजिए ए इज इक्वल टू 2811, बी इक्वल टू 2711 एंड एच इक्वल टू 200। आप थोड़ा ड्रॉइंग को रिफर करेंगे तो आप देख लेना ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ए एच ही वैल्यू होता है आता है ड्रॉइंग में। तो इसमें एच है तो क्या किया मैंने, ये बी वन मतलब दिस पार्ट इक्वल टू है ये बी बाई ए बाई टू, बी माइनस ए नॉट बाई सॉरी गलत बोला मैंने बी माइनस ए बाई टू, तो आपको बी वन आ जाएगा। मतलब ये वर्टिकल लाइट, बेसिकली दिस इज रॉन्ग। अगर आप ये एज करेंगे जब आप स्लोप में बैठे होंगे तो एज कभी नहीं आएगा, नहीं आ सकता। इसलिए इसका एक्चुअली क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज होकर काम करता है। ये हाइपोटेन्यूज कैसे काम करता है देखिए, ये ऐसा है, आपका ये ऐसा जाता है मतलब एक चीज गलत बोल रहा, अच्छा अच्छा यहाँ यहाँ ड्रॉ करते हैं इसको। देखिए ये एच आ गया, ये वर्टिकल हाइट, तो इसका बेस हाइट क्या रहेगा, ये भी एच ही रहेगा, तो एच रहेगा, ये डिस्टेंस क्या रहेगा मतलब दिस इज एच, तो हाउ मच इट शुड बी, दिस शुड बी एच रूट टू। इसलिए मैंने क्या किया देखिए, ये आपका एच है, दिस वन बी वन ए है, ये अच्छा बी वन है, जैसा ये बी वन, बी वन इक्वल टू एच वन ना, यहाँ तो बी वन इक्वल टू एच, तो ये भी बी वन मैंने पुट किया, तो दोनों को रिफर करेंगे तो क्या आएगा 200 इंटू रूट टू, तो आ गया 282.84। अगर कोई यहाँ इसी जगह में इसको 200 डालेंगे तो पक्का हो आप जब उसको सेट करेंगे तो 200 आएगा नहीं वर्टिकली, तो इसके लिए आपको 282.84 करना पड़ेगा। अभी फिर देखिए यहाँ जो कटर मतलब यहाँ जो टैपर पार्ट रहता है वो क्या होता है ना, ये एल वन ए एल है, ये बी वन है, ये एल वन रहेगा, ये 45 डिग्री में आता है, ये भी 45 डिग्री में बैठता है। तो अभी ये जो पार्ट है एल वन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, दिस इज नॉर्मल, दिस इज बेस, तो इसको क्या है आपका जो पिथागोरस का जो फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ नॉर्मल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आ गया, तो ये आ गया आपका नॉर्मल, ये आपका बेस, ये नॉर्मल आ गया 282.84, बेस आ गया 200,
तो दोनों का स्क्वायर करके समेशन करके उसको रूट करिएगा तो यह आएगा 346.41 mm। तो आपको ये डायमेंशन पूरा मिल गया। अभी इसको क्या करना है, कभी जब आप फैब्रिकेटर के पास जाएंगे, फैब्रिकेटर क्या करेगा, प्लेट को पहले मार्क करेगा, इसका प्लेट का थिकनेस वैरी करता है, वो आपका पर डिपेंड करेगा कैसे आप करेंगे। तो जनरली ये 2 mm का 3 mm तक लेते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा जगह में आप उसको यूज करेंगे। अभी जब ये फैब्रिकेटर के पास जाएगा तो फैब्रिकेटर क्या करेगा, फैब्रिकेटर पहले 2700 mm का एक प्लेट ले लेगा, ये रहेगा पूरा आपका 2700। यहां से 200 करके काट लेगा, ये आ जाएगा 200, ठीक है, सॉरी 2300। ये बंदा ने क्या करेगा, 2700 इंटू 282 प्लस 100, ये डिस्टेंस आ रहा है आपको 282 प्लस 100, इसको जोड़ेगा, मतलब यहां प्लेट का साइज रहेगा बिफोर बेंडिंग और कटिंग 2700 इंटू 382.84 इंटू थिकनेस जो भी आपका पसंद है 2 mm और 3 mm, ये प्लेट साइज ले लेगा। लेने के बाद जैसे मैं बोला 200 कट के 2300 लेगा, इसके बाद ये क्या करेगा, प्लेट को ऐसे बेंड कर देगा, कैसे बेंड करेगा ना, 45 डिग्री में बेंड कर देगा। जब 45 डिग्री में बेंड करेगा, आप एक गेज वाला बना लेना, तो उसी गेज में वो जब भी मतलब ऐसा है आपका वर्टिकली है, जब भी ये आपका गेज अगर ऐसा 45 है, जब वो बेंड करेगा, प्लेट पहला है, मान लीजिए आपका गेज ऐसा है, तो आपका प्लेट पहले ऐसे वर्टिकली है, ये आपका ऐसे है ना 45, मतलब मान लीजिए ऐसा है 45, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, मेरा थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, ये आपका प्लेट का वर्टिकली है। अब ये क्या करेगा, आपका गेज है वो प्लेट को ना बेंड करेगा, बेंड करते 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 जब ये इसी जगह पे मैच ऐसे ऐसे करके मैच हो जाएगा तब वो बंद कर देगा। तो बंद करने से क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो रिक्वायरमेंट है वो बेंडिंग में मैच हो जाएगा। यहां ये जैसा 282 है, इसी साइड में वो क्या करेगा, आपका इसका ड्राइंग के हिसाब से वो 346.41 मार्क करेगा, ऊपर से मार्क करके उसको काट देगा, मतलब ये पार्ट को वो काट रहे हैं, एंड दिस पार्ट ऑल्सो ही इज शेडिंग ऑफ। तो आपका प्लेट बन गया, साइज में आ गया, जैसा मैं दिखाया बेंडिंग एज में इसको मारेगा, मार के उसको बेंड करके सेफ को लेके आ जाएगा। तो ये आ गया, तो आपका ये जो फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये एक बॉक्स हुआ, तो दूसरा बॉक्स के लिए सेम ही आएगा, चारों तरफ सेम मार्क लेके बेंड करेगा। इसके बाद क्या करेगा, ये इधर एंगल देगा। एंगल तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे रहेगा, फिर क्या करेगा, इधर जो सूटेबल रहेगा उस हिसाब से वो होल बना देगा, इधर भी बनाएगा क्योंकि इधर तो पीस आएगा, ये दूसरा साइड का, इधर भी एक आएगा, तो इधर वाले जो पीस आएगा प्लेट उसका भी सेम आएगा, वो इसके साथ ऐसे जोड़ेगा, ये एक्चुअली मैं बेंड गेज को दिखाया था, बेसिकली ये है बेंड गेज जो आपको मैं बोल रहा था कि बेंड गेज बनाएगा, इसी सब से बेंड गेज को बना करकेगा। इसको मैं पूछ देता हूं, तो मान लीजिए एक प्लेट हो गया ना, तो दूसरा प्लेट भी आपके पास ऐसे आएगा, ऐसा आ जाएगा, तो यहां जोड़ देगा, यहां जोड़ेगा, तीसरा साइड में आपका प्लेट ऐसे ही कुछ आएगा, ऐसे ही आएगा, तो उधर भी प्लेट ऐसा रहेगा, इसी हिसाब से आपका फर्स्टम बॉक्स बनता है। तो आप लोग जब इसको करेंगे तो ऐसे कर लेना, ये फर्स्टम बॉक्स को हम स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, वो कैसे स्लाइडिंग करना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बोल देंगे। तो आज मैं
ये वीडियो यहाँ तक ही खत्म कर रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ऐसे स्लाइडिंग करना है वो हम बता देंगे। स्लाइडिंग मतलब क्या है, एक साइड का थोड़ा बड़ा एंगल, एक साइड का छोटा एंगल करके कर देंगे, तो वो हम आपको बताएंगे। ये दोस्त तो मतलब आप लोग को तो इसके बारे में अभी पता लग गया है। मोस्ट आदमी गलती करता है, ये एज पकड़ता है, ये एज नहीं होना चाहिए, ये एज ड्यू टू होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एज करेंगे तो पक्का आप सेटिंग के बाद जब आपकी कंप्यूटिंग आएगा वो पक्का भाटी का लाइट आएगा ही नहीं आ सकता, इसलिए इसको आपको हाइड्रोनिक्स लेके कैलकुलेट करना है। तो होप दिस इज वेल अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं ये वीडियो को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, और एज एवरी वीडियो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप लोग वॉच करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो आएंगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मेरा भी अच्छा लगेगा कि मेरी जो भी जानकारी है आप लोग के पास जाएगा। एंड सब्सक्राइबर्स सब्सक्रिप्शन के लिए कोई पैसा कटता भी नहीं है, डेटा भी कटता नहीं है, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास डेटा जब भी नया वीडियो लोड होगा, अपलोड होगा, आप लोग का पास तुरंत आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बार आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और हमको इंस्पायर करेंगे कि फर्दर और भी कुछ अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को पास यूट्यूब में लोड कर पाए। थैंक यू जेंटलमैन, अलविदा लेते हैं आप लोग से।